हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से जॉइंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाएं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप लोगों को सिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों को दो फोटो दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं, बच्ची का फोटो है, ठीक है गाइज। अब देख सकते हैं, इसका फोटो है, ठीक है, ये बच्ची का और इसका मम्मी का, ठीक है, दोनों का फोटो है। तो दोनों को मैं जॉइंट पासपोर्ट साइज बना के दिखाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को गूगल में आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना है रिमूव बीजी, और उसके बाद इंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला वाला वेबसाइट में फिर से आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ पर अपलोड इमेज वाला, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा, और गैलरी से आप लोगों को उस फोटो, दोनों फोटो को आप लोगों को एक एक को ऐड कर लेना पड़ेगा, PNG बना लेना पड़ेगा बैकग्राउंड को इरेज करके, ठीक है। सबसे पहले ये वाला काम कर लीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसको अभी आप लोगों को सेव करना होगा, डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग दोनों फोटो को कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ही को आप लोगों को दिखा दिया हूँ, तो दोनों फोटो को आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को पिक्चर लेफ्ट में आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए, ये वाला आप लोगों को बैकग्राउंड दिखेगा। इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड कलर आप लोग रख लीजिएगा, जो पीछे आप लोगों को बैकग्राउंड में रहता है वो कलर आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारा कलर मिलेगा, तो कर लीजिएगा, कोई भी कलर आप लोग रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप लोग रख लीजिए, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आप लोगों को फोटो को ऐड करना पड़ेगा ना, PNG वाला। तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है प्लस वाला, फ्रॉम गैलरी में क्लिक करके उस फोटो का भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए PNG फोटो बन गया, इस तरह से आप लोगों का भी बन जाएगा। तो इस तरह से ऐड कर लीजिएगा, ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद इस तरह से बीच में रखिए, साइड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस तरह से रखिए। दूसरा फोटो को भी उसी तरह से आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, जिसका साथ आप लोग जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं आ गया, इसको भी राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से घुमा के भी देखिएगा, जिससे जैसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ओरिजिनल वाला ही रखते हैं इस तरह से। और उसके बाद दोनों को इस तरह से आप लोगों को कर लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। इसको मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ, सॉरी फॉन्ट कर लेता हूँ इस तरह से। और उसके बाद दोनों को मैं इस तरह से जॉइंट पासपोर्ट साइज बनाऊंगा। तो इस तरह से आप लोगों को भी कर लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, देख सकते हैं कितना अच्छा से बन गया है। इस तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद आप लोगों को सेव करना होगा, ठीक है। तो ऊपर में देख सकते हैं, तो गाइज इस तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद इसको अभी सेव कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं अल्ट्रा मोड करके इसको सेव कर लीजिएगा। सिंपली सेव कर लेने के बाद आप लोगों को इस तरह से कर लेना होगा। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट करके हटा देता हूँ, वो तो सेव हो गया है। उसके बाद इसी तरह से ये सबको हटा देना है। सबसे पहले आप लोगों को पेज रेडी करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा पेज में आप लोग निकालना चाहते हैं। उसके लिए 3 डॉट में आ जाना है, इमेज साइज में आ जाना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को 4 साइज, यहाँ पर देख सकते हैं, 4x6 साइज कर लेना पड़ेगा, ठीक है, 4x6 इस तरह से कर लीजिएगा। अभी आप लोगों को व्हाइट पेज कर लेना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर कलर में क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट वाला, सफ़ेद वाला आप लोगों को चुन लेना है, और राइट क्लिक कर देना है, पेज रेडी हो गया है। उसके बाद आप लोगों को देखिए ऊपर में प्लस वाला चिन्ह दिखेगा, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी क्लिक करना है, जो सेव किए थे उसको आप लोगों को लेके आ जाना है। जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो है, तो इसीलिए आप लोगों को रोटेट कर लेना पड़ेगा, इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से देखिए नीचे रोटेट वाला ऑप्शन है, इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। 3.4 वाला आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा फ्रेम, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्रॉपिंग आप लोगों को इस तरह से कर लेना पड़ेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज के हिसाब से इस तरह से आप लोगों को कर लेना पड़ेगा। आराम से कर लीजिएगा, और हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए राइट चिन्ह में आप लोगों को क्लिक कर देना पड़ेगा। नीचे देखिए राइट चिन्ह में क्लिक कर दीजिएगा तो क्रॉपिंग हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद फोटो में स्ट्रोक लगाना पड़ेगा, यानी बॉर्डर लगाना पड़ेगा, तब जाके अच्छा लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आप लोगों को स्ट्रोक मारना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाने के बाद आप लोगों को राइट चिन्ह में क्लिक कर दीजिएगा, तो देख सकते हैं एक कॉपी यहाँ पर रेडी हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को घुमा के भी दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं, छोटा बड़ा करके भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये वाला काम कर लीजिएगा। अभी आप लोग कितना कॉपी निकालना चाहते हैं यहीं से आप लोगों का हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर ग्राफिंग वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक कर लीजिएगा तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक ग्राफिंग बन गया पासपोर्ट साइज का। उसके बाद क्या कीजिएगा, एक कोना में आप लोगों को इस तरह से दबा के लेके आ जाना है, सेट करना है एक डब्बा में, ठीक है। उसके बाद नीचे कॉपी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप लोग क्लिक जैसे ही कीजिएगा कॉपी होते जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को 4 को ऐड कर देना है, एक लाइन में 4 ऐड होता है। उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा फ़ोटो निकालना है एक साथ एक क्लिक में 4, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर लायर में क्लिक करना है और सबको मर्ज कर देना है, राइट क्लिक करके सबको मर्ज कर देना है, चिपक के रखना है, ठीक है, इस तरह से चिपक जाएगा।
उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, नीचे देखिए कॉपी वाला ऑप्शन दिखेगा, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर लीजिए, कॉपी में चार चार फोटो यहाँ पर इस तरह से बनते जाएगा, ठीक है। इस तरह से चार चार फोटो बनते जाएगा, एक पेज में देख सकते हैं चार चार फोटो बन रहा है, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा इतना, उसके बाद आप लोगों को सेव करना होगा। ऊपर में देख सकते हैं सेव वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पर आप लोगों को अल्ट्रा मोड सेव करके सेव टू गैलरी कर देना होगा, तो गैलरी में आप लोगों का सेव हो जाएगा HD क्वालिटी में, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को गैलरी में दिखा देते हैं। अभी इसको क्या कीजिएगा, स्टूडियो ले जाइए और प्रिंट आउट निकलवाइए, आपका कम खर्चा में हो जाएगा। तो देख सकते हैं HD क्वालिटी में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।